लेक्चर 10 एनेट रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो लेक्चर 10 एनेट रूट ऑफ यूनिटी में मतलब जैसे सपोज एक चीज ना ऊपर वाले में मैंने बताना मैं भूल गया था, जब हम लोग इसलिए अब देखो जब आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू थीटा दिया रहता है तो इसका मतलब अब तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है कि अगर ए जेड वन है बी जेड टू है तो ये पी ऑफ जेड वो पॉइंट है जो ये एंगल हर समय कांस्टेंट होगा और ये एक सर्कल का प्रॉपर्टी था नहीं क्या। अगर मैं सर्कल ये लेता हूँ ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी ले लेता हूँ तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हर समय सेम होगा मगर अब ये एक्चुअली में फुल सर्कल नहीं दे पाएगा क्योंकि अगर थीटा तुम्हारा एक्यूट एंगल है तब ये वाला पोर्शन नहीं देगा क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज होता है। इसका मतलब है तब ये वो सर्कल देगा ये मेजर आर्क ऑफ द सर्कल देगा। तो इसीलिए कई बार ऑब्जेक्टिव में तुम देखोगे कि जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, बड़ा पिक्चर ये है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, बड़ा पिक्चर ये है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, मगर छोटा पिक्चर ये है कि अगर थीटा इज एक्यूट हो तब ये ऊपर वाला मतलब ये मेजर आर्क रिप्रेजेंट करेगा, मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब ये ऊपर वाला, अगर ये ए है ये बी है तो जो डायमीटर सेंटर जिस साइड में, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तब ये माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंट करेगा और 90 डिग्री होने से सेमी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो थीटा अगर प्लस 90 है तो एंटी क्लॉकवाइज और नहीं तो फिर क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का टॉपिक है। तो अब आते हैं एनेट रूट ऑफ यूनिटी, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था तो वहां से तुम्हें समझाने का शुरू कर, एक्स क्यूब इजिकल टू वन का मुझे रूट्स निकालना है। तुम बोलोगे सर हमने निकाला हुआ है मगर अब मैं इसे पोलर फॉर्म की हेल्प से निकालूंगा तो वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, मगर दोनों क्योंकि टू पाई के बाद रिपीट करता है तो जीरो के बदले मैं इसको ट्वाइस के पाई प्लस आई साइन ऑफ ट्वाइस के पाई लिख सकता हूं, के कोई भी इंटीजर है तो एक्स का वैल्यू मेरा हो जाएगा कॉस टू के पाई आई साइन टू के पाई होल टू दी पावर वन बाय थ्री, मतलब एक्स का वैल्यू डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूंगा तो टू के पाई बाय थ्री प्लस आई साइन टू के पाई बाय थ्री। अब क्योंकि के कोई भी इंटीजर है तो तुम जैसे कोई भी तीन कॉन्जिकेटिव वैल्यू डाल दो सुंदर है, एक्स का वैल्यू जीरो डालो कॉस जीरो वन मिलेगा, के का वैल्यू जब तुम इस वाले में वन डाल दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा एक्स का वैल्यू कॉस टू पाई बाय थ्री प्लस आई इंटू क्या साइन टू पाई बाय थ्री मतलब माइनस वन बाय टू प्लस आई रूट थ्री बाय टू, क्या ये ओमेगा ओमेगा नहीं था, और अगर के का वैल्यू टू डालोगे तो एक्स क्या हो जाएगा कॉस फोर पाई बाय थ्री प्लस आई साइन क्या फोर पाई बाय थ्री तो ये वन बाय टू प्लस क्या माइनस ब्रैकेट ले लेता हूँ रूट थ्री बाय टू मतलब क्या ओमेगा स्क्वायर, तो हेंस मुझे तीन रूट मिला वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसके लिए के का कोई भी तीन कॉन्जिकेटिव वैल्यू डालने से हो जाएगा कोई भी तीन, मतलब तुम ये नहीं डाल के तुम माइनस वन जीरो और वन भी अगर डालते तो तब भी आंसर आता, के को अगर टेन अलेवन ट्वेल्व डालते तब भी आंसर आता। इसके बाद जब तुम कोई वैल्यू डालोगे जैसे k इज इक्वल टू थ्री तो वैल्यू रिपीट करने लगेगा, x का वैल्यू देखना वन आ जाएगा cos 361 होता है। तो यही चीज को अब मैं nth रूट में अप्लाई कर रहा हूं, मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि x टू दी पावर n इज इक्वल टू वन के n रूट्स निकालो तो x टू दी पावर n को लिख सकता हूं cos 0 प्लस i sin 0, ये प्रिंसिपल वैल्यू मगर इसी का जनरल वैल्यू, एक्स टू पावर एन इक्वल टू कॉस टू के पाई प्लस आई साइन टू के पाई तो एक्स का वैल्यू कॉस टू के पाई प्लस आई साइन टू के पाई होल टू दी पावर वन बाय एन, डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर लगा लूं तो एक्स का वैल्यू कॉस टू के पाई बाय एन प्लस आई साइन, एनट रूट चाहिए होगा तो के का क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, कोई भी कॉन्जिकेटिव वैल्यू के का वैल्यू जीरो डालो एक्स का वैल्यू वन।
के का वैल्यू वन डालूं, एक्स का वैल्यू कॉस टू पाए बाय एन प्लस आई साइन टू पाए बाय एन, इसका यूलर्स फॉर्म ई टू द पावर आई टू पाए बाय एन, मतलब इसे अगर मैं नाम ए दे दूं, तो अगर k का वैल्यू 2 लूं तो x का वैल्यू cos 4 पाए बाय n प्लस i sin 4 पाए बाय n, मतलब e टू दी पर i 4 पाए बाय n, मतलब a स्क्वायर। तो n कंजुगेटिव वैल्यू क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो खत्म कहां पे होगा, n माइनस 1 में होता है। x का वैल्यू cos twice n माइनस 1 पाए बाय n प्लस i sin twice n माइनस 1 पाए बाय n, मतलब e टू दी पर i ट्वाइस n माइनस 1 पाए बाय n, मतलब a टू दी पावर n माइनस 1। तो ये इसके रूट्स होंगे। इसका मतलब इसे थोड़ा सजा के लिख दूं क्या, कि रूट्स ऑफ x टू दी पर n इज इक्वल टू 1 इज 1 a स्क्वायर a टू दी पर n माइनस 1, वेयर a इज इक्वल टू e टू दी पावर i 2 पाए बाय n, मतलब cos 2 पाए बाय n प्लस i sin 2 पाए बाय n। तो इसका मतलब है कि nth रूट ऑफ यूनिटी क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो ई टू दी पावर आई टू पाए बाय एन। इसे अगर तुम सर्कल आर्गन प्लेन में ड्रॉ करोगे तो ये एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ होता है, ये जीरो, ये ई टू दी पावर आई टू पाए बाय एन, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ये टू पाए बाय एन होगा, ये ई टू दी पावर आई फोर पाए बाय एन क्योंकि ये एंगल। तो ये एन ऐसे एन पॉइंट्स तुम्हारे पास यहाँ जरूरी नहीं रहे, सॉरी यहाँ पे हाँ ये तो ऐसे तुम्हारे पास टोटल एन रेगुलर गॉन होंगे। इसका मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी गिव्स एन वर्टाइसेस ऑफ एन रेगुलर गॉन इंस्क्राइब इन अ यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस वन होगा। किसी को यहां तक लिखना है तो लिख, यहां तक लिखो, मैं एक मिनट में। आगे चलते हैं। तो क्योंकि सम ऑफ द रूट अगर निकालोगे तो, क्योंकि तुमने देखा क्या एक्स टू पर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं, वन ए स्क्वायर ए टू डी पावर एन माइनस वन, जहां पे ए का वैल्यू ई टू डी पावर आई टू पाई बाय एन। तो इसलिए अगर तुम सम ऑफ द रूट निकालोगे तो ए, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि एक्स टू पर एन माइनस वन का तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि एक्स टू पर एन माइनस जीरो इंटू एक्स टू पर एन माइनस वन होगा, तो कोफिशिएंट तो इसका लेता, तो इसलिए ये क्या आ गया जीरो हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे तो ये ए टू दी पावर वन प्लस टू डॉट 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 क्या एन माइनस वन, तो क्या लिख सकते हो ए टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाय क्या टू, मगर ए का वैल्यू क्या था ई टू डी पर आई इंटू क्या टू पाए बाय एन, तो अगर मैं ये इसमें डाल दूं तो ई टू डी पर आई टू पाए बाय एन इंटू कितना एन इंटू क्या एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, तो ये क्या मिला ई टू डी पर आई पाए टू टू डी पावर क्या एन माइनस वन, मगर ई टू डी पर आई पाए कॉस पाए माइनस वन होता है, साइन पाए जीरो होता है। ठीक है। थर्ड, क्योंकि एक्स टू पर एन माइनस वन का तुम्हें रूट मिल गया तो इसलिए तुम उसे एक्स माइनस वन एक्स माइनस ए स्क्वायर और
x माइनस ए टू डी पावर एन माइनस वन लिख सकते हो। तो जैसे देखो सपोज x टू डी पावर सेवन इज इक्वल टू वन का तुम्हें रूट निकालना है, तो ये तुम जानते हो तब a का जो वैल्यू होगा वो e टू डी पावर आई इंटू टू पाई बाय सेवन होगा। तो अब इसके रूट्स तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। जैसे फाइव ही लेता हूँ, x टू डी पावर फाइव, तो ये e टू डी पावर फाइव, तुम इसका रूट्स क्या क्या बोल सकते हो, वन ए ए स्क्वायर ए क्यूब और क्या ए टू डी पावर फोर। मगर कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि नहीं सर कोई भी कॉन्जिकेटिव पावर लेने से होता है, इसीलिए मैं a के साथ 1 बाय ए लूंगा, ए स्क्वायर के साथ 1 बाय ए स्क्वायर लूंगा और 1 ले लूंगा। हाँ ये भी चलेगा क्योंकि तुमने कॉन्जुगेटिव पावर लिया ना, तुमने क्या क्या पावर लिया था, तुमने ए टू डी पावर माइनस लिया, ए टू डी पावर माइनस वन, ए टू डी पावर जीरो, ए टू डी पावर वन, ए टू डी पावर टू, तो कोई भी कॉन्जुगेटिव पावर चलेगा। ऑड पावर होने से और एक चीज होता है, ए का कॉन्जुगेट ए टू डी पावर फोर होगा, ए टू का कॉन्जुगेट ए क्यूब होगा, क्योंकि तुम्हें एक्स टू पावर फाइव इज इक्वल टू वन मिला ना। तो या सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड टू डी पावर फाइव ही दे देता हूं, तुम्हें जेड टू डी पावर फाइव वन मिला, मतलब मॉड जेड का वैल्यू वन मिला। इसका मतलब हो गया कि मॉड ए टू डी पावर, जब तुम इसका कॉम्प्लेक्स रूट डालोगे तो मॉड ए का वैल्यू वन हो रहा है, तो ए टू डी पावर फाइव का वैल्यू वन हो रहा है। तो a इंटू ए टू पावर फोर का वैल्यू वन होता है, मगर a इंटू ए कॉन्जुगेट भी तो वन हो रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो तब मैं a कॉन्जुगेट का वैल्यू क्या डाल सकता हूं, ए टू पावर। तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि z टू डी पावर हंड्रेड इज इक्वल टू वन है और a टू पावर फोर्टी नाइन का कॉन्जुगेट निकालो, तो तुम बोलोगे सर फोर्टी नाइन का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, a टू पावर कितना फिफ्टी वन होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब हर एक को अगर तुम पीएट पावर में कर लोगे तो, मगर अल्फा ए, अगर अल्फा इज एनथ रूट ऑफ यूनिटी है तो ये उसे सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब अल्फा टी पर एन का वैल्यू वन या एट, मैंने ए लिया ठीक है, अगर ए टू डी पर, तो इसका मतलब अगर मैं वन टू डी पावर एम प्लस ए टू डी पावर एम प्लस ए स्क्वायर टू डी पावर एम डॉट डॉट ए टू डी पावर एन माइनस वन टू डी पावर एम का वैल्यू दूं, तो सर वन 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 नहीं, ये डिपेंड करेगा रे, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तब ए टू डी पावर एन वन होता है रे, मतलब अगर एम इज मल्टीपल ऑफ, एम अगर मल्टीपल ऑफ एन होगा तब ये जो सम होगा ये सम हर समय तुम्हें एन देगा क्योंकि हर एक का वैल्यू वन 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 होते जाएगा। मगर इफ एम इज नॉट मल्टीपल ऑफ एन है तब ये जो सम होगा ये हर समय जीरो होगा। ये कुछ वैसा है जो हम लोगों ने इसमें देखा था, वन प्लस ओमेगा का होल टू दी पावर हंड्रेड प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो करते थे, तो ये वन प्लस ओमेगा टू दी पावर हंड्रेड प्लस ओमेगा टू दी पावर टू हंड्रेड जब डिवाइड करोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो। मगर वही अगर मैं ओमेगा क्यूब ले लूं, ओमेगा क्यूब ले लूं और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब ले लूं तो सब तो वन ही हो जाएगा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या मिल रहा है थ्री। मतलब अगर मैं कहूं कि अल्फा इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी और तुमसे पूछूं वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू डी पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर अल्फा क्यूब का स्क्वायर प्लस अल्फा फोर का स्क्वायर, तो ये जीरो होगा क्योंकि टू फाइव को डिवाइड नहीं करता। मगर वही अगर मैं वन प्लस अल्फा टू डी पावर ट्वेंटी फाइव अल्फा स्क्वायर टू डी पावर ट्वेंटी फाइव अल्फा क्यूब टू डी पावर ट्वेंटी फाइव और अल्फा फोर टू डी पावर ट्वेंटी फाइव पूछूं, ट्वेंटी फाइव फाइव को डिवाइड करता है इसलिए आंसर फाइव होगा। किसी को लिखना है तो लिखिए। चलो आगे चलते हैं, काफी लंबा थ्योरी था। तो ये एक्चुअली में क्या है ना कि
इसे बाद में देखते हैं, पहले कुछ सम्स करवा देता हूँ, फिर ऊपर वाला उसे लिखवा देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज है जो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली उसे लिखवा देता हूँ। चलो ये सम देखते हैं क्या कह रहा है। वन अल्फा वन अल्फा टू आर द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, किसका वैल्यू पूछ रहा है, वन बाय, ठीक है। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, वन बाय टू माइनस अल्फा वन, वन बाय टू माइनस अल्फा टू, वन बाय टू माइनस अल्फा थ्री, वन बाय टू माइनस अल्फा फोर। नहीं, रेसिप्रोकल का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसका, अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब जेड टू दी पावर फाइव माइनस वन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस अल्फा वन जेड माइनस अल्फा टू जेड माइनस अल्फा थ्री, और ये तो जानते हो फैक्टर थ्योरम से। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हें जेड माइनस अल्फा वन को टू माइनस अल्फा वन बनाना है, जेड माइनस अल्फा टू को टू माइनस अल्फा टू बनाना है, तो जेड का कौन सा वैल्यू डालोगे, टू, मगर टू डालने से प्रोडक्ट में आ जाएगा। ऐसा क्या कर सकते हो कि अलग अलग करके रेसिप्रोकल हो जाए। लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या था, आया समझ में, मतलब मैं क्या करूं, पहले मैं कह लेता हूं टेक लॉग, ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जेड टू दी पावर फाइव माइनस वन, तो लॉग ए इंटू बी सबको ऐड में आ जाएगा, तो लॉग जेड माइनस वन डॉट 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 लॉग जेड माइनस अल्फा फोर। अब मैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड कर देता हूं, तो इसका होगा फाइव जेड टू दी पावर फोर बाय जेड टू दी पावर फाइव माइनस वन, ये वन बाय जेड माइनस वन से लेके वन बाय जेड माइनस अल्फा फोर। क्या पुट करूं, पुट जेड इज इक्वल टू टू, फाइव इंटू टू टू दी पावर फोर डिवाइडेड बाय टू टू दी पावर फाइव, तो क्या आया वन बाय टू माइनस वन, वन बाय टू माइनस अल्फा वन, जाते जाते वन बाय टू माइनस अल्फा फोर, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, तो ऐसा नहीं, तो ये सोचना है। अब इसी समय मैं कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जैसे मैंने बताया था, जैसे ये सब फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूला सबको इंडिपेंडेंटली प्रूफ करने का मुझे मन नहीं है, तो इसीलिए मैं इसी में बता देना चाहता हूँ। अब इसी में अगर मैं तुमसे पूछता कि मुझे वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, वन माइनस अल्फा थ्री और वन माइनस अल्फा फोर चाहिए, तो तुम बोलोगे सर अभी आपने ऊपर देखा था कि जेड माइनस वन जेड माइनस अल्फा वन जेड माइनस अल्फा टू जेड माइनस अल्फा थ्री और जेड माइनस अल्फा फोर को आपने जेड टू दी पावर फाइव माइनस वन, तो अभी ऊपर आपने कहा आपको वन माइनस अल्फा वन चाहिए, तो क्या करो ये जेड का वैल्यू वन डाल के देखो, जेड इक्वल टू वन यहाँ पे डाल के देखो, कुछ अजीब मिला, हाँ मिला, क्या ये भी जीरो ये भी जीरो, सर आंसर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए जेड माइनस अल्फा वन जेड माइनस, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, जेड माइनस अल्फा फोर, सुन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सोचना। हाँ, अब मैं अगर जेड का वैल्यू वन डालूं तो ये मुझे मिलेगा वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, वन माइनस, मेरा कहना है, ध्यान से सुनो, मेरा कहना है जब मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये जेड में एक पॉलिनोमियल मुझे मिलेगा, अल्फा वन का कॉन्जुगेट अल्फा फोर है, अल्फा टू का कॉन्जुगेट अल्फा थ्री है, जिसके पॉलिनोम जिसके रियल कोएफिशिएंट्स रियल होंगे, तो इसका मतलब है जेड इज इक्वल टू वन में भले मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये जीरो बाय जीरो रहा है, मगर मैं कॉन्टिन्यूटी को यूज कर सकता हूँ, मतलब दिस इज सेम एज लिमिट जेड टेंडिंग टूअर्ड्स वन जेड टू दी पावर फाइव माइनस वन टू दी पावर फाइव बाय जेड माइनस वन, जिसका फॉर्मूला था क्या फाइव। तो अगर अल्फा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो वन माइनस अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू करने से मुझे फाइव मिला, तो अब ये वाला जो मैं ऊपर जो है ये तो अप्रूव हो गया था, देखो ना ये nth रूट ऑफ यूनिटी है तो प्रोडक्ट करने से n मिला। वैसे यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में तुमने z का वैल्यू 1 दिया था, यहाँ पे तुम z का वैल्यू माइनस 1 डाल देना, ये प्रोडक्ट वाला, ये तो अभी मैंने बताया ही था माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, चलो तो ये जो तीन पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं वहां पे इसलिए डाल देता हूँ, ठीक है, ये ओमेगा वाला चल नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। तो इससे एज ए रिजल्ट याद रख सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो।
जैसे कैसे, जैसे अगर तुम लोग को याद है एक ऐसा ये वाला सम, जैसे के इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक मैंने कराया था, कॉस 2k π/11 2 12 प्लस आई साइन 2k π/12, ये पूछ रहा है। तो अब अगर तुम देखोगे तो तुम इसे के इज इक्वल टू 1 to 11 इसे क्या लिख सकते हो, e^i इंटू क्या 2π k/12, मतलब के इज इक्वल टू 1 to 11 e^i इंटू 2π/12 होल टू दावर क्या के। तो e^i इंटू 2π/12 को अगर मैं a ले लेता हूं तो ये जो है ये मुझे किसका रूट देगा, ये मुझे रूट ऑफ x^12 इज इक्वल टू 1 देगा। तो ये हो गया के इज इक्वल टू 1 to 11 e^k, मतलब e^1 e^2 डॉट डॉट एट सम, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या था, सम में 1 भी आता था रे, 1 + a + a² अप टू e^11 क्या था ये 0, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो अब तुम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, और तुम्हें पकड़ना होगा कि हाँ ये nth रूट ऑफ का सम है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, फॉर रियल ए एंड बी इफ द सॉल्यूशन ऑफ z^2009 इक्वल टू 1 आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई, डिटरमाइन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें से कितने ए, अगर ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है और उस रूट का वैल्यू अगर ए प्लस आई बी है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो मुझे क्या मालूम है, ये ज्योमेट्रिकल टाइप का सम है कि मुझे मालूम है इसके कितने रूट्स होते हैं, 2009 रूट्स होंगे जिसमें से एक रियल रूट होगा, वो रूट होगा एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब 1,0। तो ये 1,0 हो गया, तो रिमेनिंग कितने रूट्स हो गए, रिमेनिंग 2008 रूट्स जो होंगे क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड होंगे, यूनिफॉर्मली इन 4 पार्ट्स डिवाइड होंगे, एक क्वाड्रेंट नंबर 1 में, फिर क्वाड्रेंट नंबर 2 में, फिर क्वाड्रेंट नंबर 3 में, फिर क्वाड्रेंट नंबर 4 में। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो यूनिफॉर्मली 2008 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 502, तो यहाँ पे कितने रूट्स आएंगे, 502 रूट्स आएंगे, यहाँ पे कितने 502 रूट्स आएंगे, यहाँ पे कितने 502 रूट्स, और यहाँ पे कितने 520 रूट्स आएंगे। कहीं डाउट है तो कुछ तो नहीं, ये वाले रूट्स यहाँ पे रूट्स नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे आई इसका वैल्यू रूट हो रहा है क्या, नहीं होता है। ये सब कभी कभी देखना होता है, ये सब अगर रूट होता है तो इसे हटाना पड़ता है कभी कभी रे, वो तुम्हें देखना होगा। अगर यहाँ पे 2010 अगर मैं दिया रहता तो ध्यान से देखो, 1 भी इसे सेटिस्फाई करता है, -1 भी सेटिस्फाई करता है, और अगर यही z^2012 का डिवीजन दिया होता तो आई भी सेटिस्फाई करता है, -i भी सेटिस्फाई करता है, मगर उन्हें हटा के जो मुझे पड़ेगा वो तुम्हारे पास यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा। तो जब तुम 2π/7 4π/7 8π/7 थोड़ा तो पता चल ही रहा है सी और एस वाला चीज मैटर नहीं क्या, कि अगर मैं इसका दोस्ती किसके साथ था, cos 2π/7 के साथ था, तो मैं a को एक वैल्यू लेता हूँ sin 2π/7, सॉरी a को मैं ले लेता हूँ, क्या लूंगा a को ले लेता हूँ cos 2π/7, उसके साथ क्या ले लेता हूँ i ऑफ क्या sin 2π/7, और ये 8^7 मतलब ये 7th रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें तीन वैल्यूज आ रहे हैं ना, कौन कौन से, एक ए ये आ रहा है, एक आया साइन 4π/7 प्लस आई साइन 4π/7, ठीक है, तो ये 8^4 होगा। अब 8π/7 क्या देगा, साइन 8π/7 प्लस
सॉरी कॉस 8 पाई बाय 7 प्लस तरीका मैं भी क्या लिख रहा हूं ना, ये कॉस है और ये साइन, सॉरी कॉस 8 पाई बाय 7 प्लस आई इंटू साइन 8 पाई बाय 7, तो ये तो 7 से बड़ा हो गया, तो 2 पाई माइनस क्या 6 पाई बाय 7 प्लस आई इंटू साइन क्या 2 पाई माइनस 6 पाई बाय 7, यही होगा ना, मतलब ये तो 8 टू द पावर 8 है, तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, रुको 8 टू द पावर 7 1 है तो हाँ तो ये देगा कॉस 6 पाई बाय 7 माइनस आई इंटू साइन क्या 6 पाई बाय 7, ओ सॉरी मैंने गलती किया ना वही इसीलिए, तो एक्सक्यूज मी, यहां से 2 पाई बाय 7 है ना, मतलब अगर मैं a टू दी पावर 7 गलत तरीका, अगर मैं z टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 1 के रूट्स को निकालूं तो ये निकलेगा 1 a a स्क्वायर a क्यूब a टू दी पावर 4 a टू दी पावर 5 और a टू दी पावर 6, जहां पे a का वैल्यू का e टू दी पावर i इनटू क्या 2 पाई बाय 7, इसका मतलब है मैं एक काम करता हूं, इस वाले का नाम s ले लेता हूं, s मेरे पास है साइन 2 पाई बाय 7 प्लस साइन 4 पाई बाय 7 प्लस साइन 8 पाई बाय 7, c को ले लेता हूं cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos जो इससे पहले करते थे cos 4 पाई बाय 7 और cos 8 पाई बाय 7, तो c प्लस is क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय 7 प्लस i sin 2 पाई बाय 7 ब्रैकेट cos 4 पाई बाय 7 प्लस i sin 4 पाई बाय 7 ब्रैकेट cos 8 पाई बाय 7 प्लस i sin 8 पाई बाय 7, तो ये क्या हुआ, तब ये a हुआ, ये a स्क्वायर हुआ और फिर क्या हुआ 8 टू द पावर 8 हुआ, वही तो मैं गलती कर रहा हूँ, 8 नहीं होगा ना इसलिए ये वही, तो ये क्योंकि 2 पावर ये 8 है तो ये कितना आया, सॉरी ये a स्क्वायर तो ये 8 टू द पावर 4, मगर 7 रूट ऑफ यूनिटी में रिमेनिंग और मुझे ठीक है तो इसको एक नाम दे देता हूँ, इसको कैपिटल L दे देता हूँ जो मुझे चाहिए, M जो रूट्स मुझे नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है मुझे, मुझे दिया हुआ नहीं हुआ, अब इसमें a वन a स्क्वायर तो a क्यूब नहीं दिया है, a टू द पावर 5 नहीं दिया है और a टू द पावर 6 नहीं दिया, तो मुझे l का वैल्यू निकालना है, अब देखो कैसे निकालता हूं, क्या तुम l प्लस m का वैल्यू निकाल सकते हो, a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a 4 प्लस a 5 प्लस a 6, हाँ ये माइनस वन होगा, होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द 7 रूट्स जो होता है वो क्या था, जीरो था, मगर वो 1 से शुरू होता था नहीं क्या, इसके मुझे तो मालूम है 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a 4 प्लस a 5 प्लस a 6 का वैल्यू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, तो यहाँ पे तुम्हें केवल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस वन, और l इंटू m क्या हो रहा है, a प्लस a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 साथ में a क्यूब प्लस a 5 प्लस a टू द पावर 6, तो थोड़ा ब्रेक करके देखें क्या हो रहा है, a a इंटू a क्यूब a टू द पावर 4 ए स्क्वायर कॉमन से कुछ आ जा रहा है क्या, ए स्क्वायर कॉमन से क्या आ रहा है, तो यहां से अगर ए कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर,
यहां से अगर ए क्यूब कॉमन ले लू तो वन प्लस नहीं नॉट सेम, तो ब्रेक करो ए टू डी पावर फोर प्लस ए टू डी पावर, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए टू डी पावर सिक्स प्लस ए टू डी पावर सेवन, अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए टू डी पावर फाइव फाइव सिक्स सेवन ए टू डी पावर सिक्स सेवन एट फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन सिक्स प्लस फोर टेन, मगर मैं जानता हूँ क्योंकि ए टू डी पावर सेवन वन है तो हायर पावर को अब रिड्यूस करूंगा, मतलब ए टू डी पावर फोर प्लस ए टू डी पावर सिक्स, ए टू डी पावर सेवन का वैल्यू वन है, ए टू डी पावर फाइव प्लस ए टू डी पावर सेवन का वैल्यू ए टू डी पावर एट, अगर ए टू डी पावर सेवन वन है तो वो ए देगा प्लस वन प्लस ए टू डी पावर नाइन का वैल्यू सेवन है तो वो ए स्क्वायर देगा, ए टू डी पावर टेन ए क्यूब देगा, तो देखो क्या क्या मिला, तुम्हें ए मिला, तुम्हें ए स्क्वायर मिला, तुम्हें ए क्यूब मिला, ए फोर मिला, ए फाइव मिला, ए सिक्स मिला, तो अल्टीमेटली थ्री प्लस क्या मिला, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स, मतलब ये क्या मिला, थ्री प्लस ऑफ क्या माइनस वन इज इक्वल टू क्या टू, तो हेंस तुम्हें क्या मिला था, एल प्लस एम का वैल्यू माइनस वन और एल एम का वैल्यू क्या मिला बोलो टू, तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है, एल तो मैंने ये पूरा लिया है ना, तो चलो अब और भी एक ट्रिक देखो, तो इससे तुम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो, एल एन एम आर रूट्स ऑफ, ये किसका रूट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला माइनस वन प्लस माइनस टू टू जा फोर माइनस फोर टू जा एट डिवाइडेड बाय टू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला माइनस वन बाय टू प्लस माइनस कितना आई इंटू क्या रूट सेवन बाय टू, तो अब थोड़ा सा बुद्धि बुद्धि लगा के साइन को देखो ना, साइन टू पाई बाय सेवन, तो ए का सपोज, तो ए का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, ए का वैल्यू अब यहाँ पे देखो कैसे ए का वैल्यू लूंगा, यहाँ पे मुझे इमेजिनरी पार्ट तुम ध्यान से देखो, हाँ साइन टू पाई बाय सेवन साइन फोर पाई बाय सेवन, ठीक है ये दोनों जो है ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, मतलब सॉरी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो ये पॉजिटिव है, ये तुम्हें माइनस साइन पाई बाय सेवन, माइनस साइन पाई बाय सेवन साइन टू पाई बाय सेवन से छोटा होगा तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो पार्ट आया, देखो क्या एक आया एक्स का वैल्यू माइनस वन बाय टू प्लस आई इंटू रूट सेवन बाय टू, और एक आया माइनस वन बाय टू माइनस आई रूट सेवन बाय टू, तो अब तुम्हें ये देखना आएगा कि एल और एम में कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट देगा, तो क्योंकि ये मिला कि मुझे पॉजिटिव मिल रहा है इसलिए मैं जानता हूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ एल जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वो इस वाले में है, तो हेंस मुझे एल का वैल्यू मिल गया माइनस वन बाय टू प्लस आई रूट सेवन बाय टू, मगर एल था क्या, एल था कॉस पाई बाय सेवन कॉस टू पाई बाय सेवन प्लस आई साइन टू पाई बाय सेवन प्लस कॉस फोर पाई बाय सेवन प्लस आई साइन फोर पाई बाय सेवन प्लस कॉस एट पाई बाय सेवन प्लस आई साइन एट पाई बाय सेवन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू प्लस आई रूट सेवन बाय टू, तो इमेजरी पार्ट को कंपेयर कर लो क्या मिला था साइन टू पाई बाय सेवन प्लस साइन फोर पाई बाय सेवन प्लस साइन एट पाई बाय सेवन इज इक्वल टू कितना रूट सेवन बाय टू, खेला खत्म। वही अगर उल्टा वाला पूछ देता थ्री पाई बाय सेवन बाकी सब जो रिमेनिंग है उसके लिए माइनस पाई बाय सेवन, तो ये प्लस माइनस वाला जो ट्रिक है, तो ये एक लंबा सम था, ठीक है मैं ये नहीं कहता हूँ कि एनेट रूट ऑफ यूनिटी के बहुत सम्स आते हैं, मैं पहले इतना बोलता हूँ, ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सम एनेट रूट ऑफ यूनिटी के आते हैं, देखना तो देख लो, तो चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करता है थ्योरी वाइज।